सर, आज के इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षम का आज जो हमारा यहाँ पे प्रवास रहा टूर प्रोग्राम, जिसमें आज पहला कार्यक्रम हमारा बंगाली पंचायत में था, दूसरा हमारा हमीरपुर में और तीसरा इसके बाद धेरिया में। और हमने देखा कि आज जिस तरीके से लोगों में जोश और युवाओं में जो जोश देखने को मिला, लगातार जैसे ही हम मट्टुए वाले टर्न से हम अंदर हुए और एक बड़ी सी संख्या में युवाओं ने एक बाइक रैली निकाली, मैं तो उनका भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ, उनका आभारी हूँ। और खासकर मैं कोर मंडल के अध्यक्ष और हमारे बाकी के सहयोगी और पठान सिंह जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ, मैं इनका भी बड़ा धन्यवाद हूँ कि इस किस्म का जोश और लोगों में देखने में लग रहा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी जी की सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और इस देश को 1947 में विकसित भारत बनाने के लिए लोग संकल्पबद्ध हैं। और लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से केंद्र में आई है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी लाई जाए, ताकि जम्मू कश्मीर का विकास, जम्मू कश्मीर में सुशासन, जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद, जो पत्थरबाजी बंद हुई है, वो इसी तरीके से समाप्त रहे। बॉर्डर क्षेत्र जिस तरीके से हर समय क्षेत्र में डिस्टर्बेंस रहती थी, वो सारी खत्म हुई है। और लोग विश्वास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी और जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और विकास की एक लहर चलेगी। सर, किन किन मुद्दों के ऊपर इस बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हो? देखिए जी, सबसे बड़ा मुद्दा तो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद का मुद्दा है, फिर विकास का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा है, क्योंकि काफ़ी सारा विकास अभी पिछले 10 साल में हुआ, लेकिन 70 साल से जो पिछड़ा हुआ सारा का सारा क्षेत्र, ये अगर हम प्रदेश की बात करें तो 70 साल से पिछड़ा हुआ प्रदेश है। और जिस तरीके से पिछले 10 साल में हुआ है विकास, लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ताकि उसी तरीके से विकास होते रहें। हर क्षेत्र में विकास कार्य करवाए गए हैं, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे फ्लड कंट्रोल के काम हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के हो, चाहे वाटर सप्लाई की बात करें, जिस तरीके से जल जीवन मिशन में ये दोनों विधानसभा में 285 करोड़ रुपये के काम चल रहे हैं, और बाकी क्षेत्र में भी, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे सोशल वेलफेयर की बात करें, हर क्षेत्र में अच्छे काम हो रहे हैं। तो इन सभी को, और एक सबसे बड़ा मुद्दा, जैसे अभी यहाँ पे कुछ साथियों ने हमारे साथ अभी डिस्कस किया कि एक सरकार की तरफ से जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, हम पिछली बार भी जब लोकसभा के चुनाव थे तो कुछ अधिकारी ये गड़बड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, हम उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं इस आप लोगों के माध्यम से कि वो थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, ये जोर जबरदस्ती वाली बात जो है। और ठीक है, स्मार्ट मीटर लगाएं, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन स्मार्ट मीटर के बिल जो है उन्हें जरूर देख लें। एक बार अगर किसी का 1000 बिल आता है और दूसरी बार 2000 और तीसरी बार सीधे 6000, ये कौन सा स्मार्ट मीटर? और मैं एक बार दोबारा इन्हें चेता रहा हूं कि अगर इन्होंने स्मार्ट मीटर बंद नहीं की या स्मार्ट मीटर का बिल इन्होंने ठीक नहीं किया, ठीक है अगर कोई स्मार्ट मीटर लगवाता तो मीटर के हिसाब से बिल आना चाहिए, ये नहीं कि एक बार अगर 1000 आया, दूसरी बार 2000 और तीसरी बार सीधे 6000। अगर ऐसा ही रहा तो सरकार बनते ही सबसे पहले स्मार्ट मीटर उखाड़ के मैं दरिया में फेंकूंगा, ये मैं इनको पहले ही चेता देता हूं। ये ऐसी गड़बड़ कभी भी नहीं चलेगी, पब्लिक के साथ कभी भी अन्याय नहीं चलेगा। अगर कोई भी पब्लिक के साथ अन्याय करेगा, कोई भेदभाव करेगा, तो सबसे पहले हम उनके सामने खड़े हैं, हमारे से निकल के फिर उनको आगे जाना पड़ेगा, ये हम उनको चेता देते हैं। सर, जनता को आपके ऊपर काफी उम्मीदें हैं, क्या आपको लगता है कि आप जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाओगे? बिल्कुल, देखिए अगर हम पिछला अपना कार्यकाल देखें, हमारा और हमारे भाई साहब डॉक्टर कृष्णलाल जी जो विधायक रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी काम जो हम लोगों ने बड़े बड़े भी करवाए और रोड कनेक्टिविटी है, जैसे जम्मू से अखनूर का एक हाईवे था वो बन रहा है, 206 करोड़ के पुल बन रहे हैं, यहाँ पे कम से कम भी 150 करोड़ से ऊपर PMGSY के काम हुए हैं, 80 करोड़ के करीब करीब बिजली के काम हुए थे, 70 करोड़ के करीब करीब पानी के काम हुए, फ्लड कंट्रोल की अगर बात करें तो 65-70 करोड़ के करीब करीब। और ये एक 3.25 साल के कार्यकाल के दौरान मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आगे समय मिलेगा पूरा तो हम इससे भी ज़्यादा विकास करेंगे। और हर क्षेत्र का, ये नहीं कि सिर्फ एक क्षेत्र का, हर क्षेत्र का, चाहे वो दूर दराज का क्षेत्र हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे हमारा बॉर्डर क्षेत्र हो, हर क्षेत्र का विकास हम करवाएंगे। क्योंकि पहले जब हम बने थे पिछली बार, उस समय और आज के थोड़ा सा अगर कहें कि एक्सपीरियंस का, तो बड़ा ज़्यादा अभी फर्क पड़ चुका है। और इन चीज़ों के लिए मैं अपनी जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि विकास कार्य के मामले में, ईमानदारी के मामले में, शराफत के मामले में कभी भी उनकी गर्दन झुकने नहीं दी, यही आपसे वादा करता हूँ।